हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों में से एक, जो है शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी उत्तराखंड के प्रमुख लेखकों में से एक हैं। शैलेश मटियानी का जन्म 1931 में अल्मोड़ा के बाड़ूछीना में हुआ था और इनकी मृत्यु 2001 में दिल्ली में हुई थी। शैलेश मटियानी का मूल नाम रमेश चंद्र था। शैलेश मटियानी उत्तराखंड के आंचलिक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने विकल्प नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। शैलेश मटियानी को उनकी प्रसिद्ध कहानी महाभोज के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार दिया गया तथा मुठभेड़ उपन्यास के लिए 1984 में फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार मिला। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में शैलेश मटियानी का महत्वपूर्ण योगदान है। शैलेश मटियानी के प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं: चंद औरतों का शहर, 52 नदियों का संगम, बोरीवली से बोरीबंदर, उगते सूरज की किरण, आकाश कितना अनंत है, किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई का, मुठभेड़, चौथी मुट्ठी, एक मुठ सरसों, भागे हुए लोग, छोटे छोटे पक्षी, रामकली, कबूतर खाना, नागवल्लरी, गुपली गफूरन, हौलदार, मुख्य सरोवर, हंस, बेला हुई अवेर, महा माया सरोवर। इनकी प्रमुख कहानियां हैं दो दुखों का एक सुख, चील, भविष्य और मिट्टी, हत्यारे, रुका हुआ रास्ता, हारा हुआ, भेड़े और गडरिये, प्यास, बर्फ की चट्टान और पत्थर, जंगल में मंगल, महाभोज, नाच जमूरे नाच, सुहागिनी, तीसरा सुख। इनके निबंध संग्रह हैं कागज़ की नाव, कभी कभार, यदा कदा, किसके राम कैसे राम, लेखक की हैसियत से, जनता और साहित्य, यथा प्रसंग, मुख्य धारा का सवाल, राष्ट्रभाषा का सवाल, किसे पता है राष्ट्र शर्म का मतलब, राष्ट्रीयता की चुनौती। तो धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना काफ़ी।